हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं सेल्फ विजय अडवाणी, रॉयल स्टूडियो एडमिन, यूनिकार्ट एडमिन। तो दोस्तों, आपके लिए मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जो आपके DSLR की सेटिंग के अंदर काफ़ी सारा आपको अनुभव और साथ देगा। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि आप उसका भरपूर फायदा उठा सको। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन का ऑन करना ना भूलें, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे जल्द आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करता हूं शटर स्पीड के बारे में, जो हमारा मुद्दा था शटर स्पीड का। तो सबसे पहले मैं आपको शटर स्पीड की परिभाषा समझा देता हूँ। जैसे कि शटर स्पीड, स्पीड मतलब कि ये स्पीड दो तरीके की, एक लो स्पीड होता है, एक हाई स्पीड होता है। स्पीड यानी कि इसके अंदर मिनिमम, जैसे कि स्पीड इसकी होती है 30, उसके बाद में मतलब DSLR के अंदर 4000 8000 तक लास्ट शटर स्पीड होती है, वो अलग अलग कैमरा के अकॉर्डिंग होती है। तो स्पीड का मतलब कि हम किस मोमेंट के अंदर, यानी कि क्या चीज़, अगर हम मूव कर रहे हैं या एक जगह स्टिल है सब्जेक्ट हमारा, तो उस पर अलग अलग शटर स्पीड का हमें यूज़ करना पड़ता है। स्पीड का मतलब होता है, जैसे कि अभी मान लो इसमें 100 है, तो यानी कि इसका मतलब होता है मेन जो इसका जो मुद्दा है भी, एक सेकंड जो होता है उसका अगर 100 है, तो उसके 100वें हिस्से के अंदर जो हमारा कैप्चर शूट होता है स्पीड। तो स्पीड यानी कि हमारे जो जो कैमरा है, हमारे कैमरे की जो प्रॉपर, इसके अंदर अगर हम शटर स्पीड ज़्यादा रखते हैं तो अगर कोई भी मूवमेंट कर रहा है, जैसे कि मान लेते हैं अभी रनिंग कर रहा है, वो स्पोर्ट्स के अंदर हम शूट कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स के अंदर हम इसकी जो शटर स्पीड है वो हाई रखेंगे, ताकि हमें जो उसकी क्वालिटी है, जो स्टिल है, जो क्लिक हमें अगर एक्यूरेट चाहिए तो वो हमें बढ़िया मजबूत मिल पाए। ठीक है, अगर वहाँ पे हम अगर लो स्पीड करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो मूवमेंट क्लियर दिखाएगा, मूवमेंट ही यूज करेगा, क्योंकि जो भी जो मूवमेंट में जो कुछ हो रहा है वो सामने शो करेगा। जैसे कि मैं आपको रनिंग की अभी दो पोज दिखा देता हूँ, जैसे कि एक तो प्रॉपर जो शटर स्पीड हाई में किया और एक लो में, दोनों में फ़र्क क्या है? जो लो में करेंगे और इस तरीके से यानी कि ब्लर हो जाएगा फोटो, और जो हाई में करेंगे वो एकदम एक्यूरेट आएगा। ठीक है दोस्तों, शायद आप मेरे जो मैंने बताया उसको आप समझ पाए, उसको शटर स्पीड का मतलब क्या होता है। तो हमें मोमेंट को देख के उसके अकॉर्डिंग हमें शटर स्पीड की यूज़ करना होता है। दूसरी बात, शटर स्पीड जैसे कि आप नाइट को यूज़ कर रहे हैं, जब नाइट को इससे होता है जैसे कि बैकग्राउंड लाइटिंग वगैरह होती है, उसको हमें स्टार वगैरह दिखाने होते हैं, तो हम लो लाइट में करेंगे तो जो बैकग्राउंड है और ज़बरदस्त मजबूत होगा, उसको लाइट प्रॉपर मिलेगी। शटर स्पीड हमारा जितना कम होगा तो कैमरे का जितना वो खुले, यानी कि इसको लाइट है वो प्रॉपरली मिलेगा। अगर इसको हम शटर स्पीड को हाई करेंगे तो इसका जो कैमरे का जो है मुँह वो मतलब कम खुलेगा। ठीक है, जिससे हमें इसकी लाइटिंग बहुत कम मिल पाएगी शटर स्पीड अगर हम हाई करेंगे तो वो हम उस लेवल पे, जिस लेवल पे हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, जिस कंडीशन पे आउटडोर इंडोर, उसके लेवल से हम शटर स्पीड का उपयोग करेंगे। मेन इसका काम होता है, मैंने आपको बता दिया, एक तो लाइट के अकॉर्डिंग लाइट लो या हाई लेनी हो उसमें भी काम करता है। दूसरी बात, हमें किस मोमेंट पे हम फोटोशूट कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो उसके लेवल की अगर हमें फोटो चाहिए हो, यानी कि हमें मोमेंट एकदम क्लियर चाहिए, अगर स्पोर्ट्स का रनिंग का है तो उसमें हम हाई रखेंगे, और अगर हमारा स्टिल एक जगह खड़ा है तो हम उसको लो शटर स्पीड के अंदर हम उसे शूट कर पाएंगे, ताकि उसमें जो लाइटिंग प्रॉपर से मिल जाएगी और बैकग्राउंड काफ़ी ज़बरदस्त मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, आप जो मैं कह रहा था वो समझ ही गए होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास अभी कैमरा है DSLR, जैसे कि हम आपको मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे होता है इसका शटर स्पीड, यानी कि इस पर दिया हुआ है 125। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, या यहाँ पे देख लीजिए 125। ये यहाँ से हम इसको प्लस कर सकते हैं, देखो 160 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया। तो ये हमारा मोमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसकी शटर स्पीड रखना पड़ेगा। हम अब इसको 150 कर देते हैं, 125 कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली। ज़्यादातर हमें अगर स्टिल एक जगह पे शूट कर रहे हैं तो हम इसी शटर स्पीड का हम यूज़ करेंगे। ये शटर स्पीड होती है, और ये अपर्चर होता है, और ये अपर्चर सेटिंग, अपर्चर और हमारी ISO, ये यहाँ पे ISO हमें दिखा रखा है। ठीक है, तो ये मोमेंट पे हमें सेट करनी है भी, किस मोमेंट पे हमें क्या शटर स्पीड इसकी रखनी है। तो दोस्तों, मैं बाकी की आपको फिर इसे पे बता देता हूँ।
जैसे कि मैंने कैमरे में आपको शटर स्पीड बता दिया कहाँ से लो हाई होता है, ठीक है। तो शटर स्पीड के बारे में आपको मैंने बेसिकली लगभग मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बता दिया और आई होप आपको सब समझ में भी आया होगा। इसके बाद में रहता है शटर स्पीड, मैंने आपको बता दिया शटर स्पीड दो वर्क करता है, एक तो पिक्चर की क्वालिटी और दूसरा लाइट कम या ज़्यादा, यानी कि कौन से, अगर हमारा कोई रनिंग मूवमेंट है, अगर उसको रनिंग को मूवमेंट को हमने दिखाना, सारा कुछ दिखाना है भी कैसे मूव हो रहा है, अगर हम लो रनिंग का अगर हम कोई भी शूट अगर लो में करेंगे तो वो सारा मूव दिखाएगा, यानी कि एक तो फोटो ब्लर होगा और वो मूव जैसे चलती है ऐसे वो गाड़ी रनिंग करिए तो वो वैसे ही मूव में दिखाएगी जैसे इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा अगर हम हाई में रखते हैं तो उसकी जो रनिंग की है तो अगर कितनी भी फर्स्ट में उसके अकॉर्डिंग हम अगर हाई रखते हैं तो उसका हम क्लिक करेंगे तो एकदम एक्यूरेट दिखाएगी जैसे कि ये, ठीक है। दोस्तों आप शायद इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ ही गए हो। दूसरी बात, अगर हम शटर स्पीड लो रखेंगे और मोमेंट हमारा जो हमारा सब्जेक्ट मोमेंट करता होगा तो हमारा फोटो ब्लर आएगा, अगर हम शटर स्पीड उसका हाई रखेंगे तो हमारा एकदम एक्यूरेट आएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी होगा, आई होप आप सभी को बढ़िया लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं आपके लिए और बेटर से बेटर बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आऊँ। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा अपर्चर के लिए, तो थैंक यू दोस्तों, तब तक बने रहें और थैंक यू।